हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओएसएमएफ से रिलेटेड है और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, चीक की सतह पे और उनके तालू की सतह पे और अलग अलग जो एरिया है आपके ओरल कैविटी के अंदर का वो प्रभावित होता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो है वो सीवियरिटी क्या है, यानी कि फाइब्रोसिस का लेवल क्या है। और इसमें जो है बहुत सारे आपके स्टेज होते हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4। और इसके आगे जो है, जैसे हम लोग इसको दो क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं कि आपका जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है उसकी अगर हम लोग क्लिनिकल इवेल्युएशन हम लोग करते हैं तो कैसे इसको हम लोग ग्रेड में रखते हैं और क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और आगे जाके कैंसर बनने के चांसेज होते हैं। तो इस पर आधारित ये वीडियो है। और ओएसएमएफ को समझने के लिए जो है आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो है जो स्टेजिंग है आपकी वो कहाँ पे है, यानी कि फंक्शनल स्टेजिंग। जैसे कि आप माउथ खोल रहे हैं और आपके माउथ की ओपनिंग अगर लेस देन 20 mm है, यानी कि 20 mm से नीचे आपकी माउथ ओपनिंग है, तो जो ओएसएमएफ की जो स्टेजिंग है वो फंक्शनल स्टेज आपका 2 और 3 के बीच में रहेगा। यानी कि अगर माउथ ओपनिंग 20 से ऊपर है तो फिर भी ये आपका जो है बेहतर रहेगा, लेकिन जैसे ही 20 से कम होता है आपकी माउथ ओपनिंग तो ये आपको इसके लिए बहुत सारे कंसर्न रखने चाहिए। जैसे कि अगर कोई फ्रिक्वेंटली अल्सरेशन हो रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें, आप उसको देखें कि कहीं पे कोई सार्ट पॉइंट तो नहीं है, या फ्रिक्वेंटली वेसाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको देखना है कि इरिदमेटस चेंजेज है तो वो कितने एरिया में है। प्लस आपको रेगुलरली फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है। और ओएसएमएफ के पेशेंट में जो वेसाइकल बनते हैं तो कई बार ये वेसाइकल एक ही जगह पे बनते हैं बार बार, और वो धीरे से जो है वो फूट जाते हैं और फिर वो दोबारा बनते हैं आफ्टर फ्यू डेज ऑफ गैप, जैसे कि 6 to 8 days के बाद, 10 to 15 days के बाद। इस तरह से जब वेसाइकल रिपीट हो रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको कैंसर है या फिर यहाँ पे कैंसर है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी एपिथीलियम की कवरिंग है, जो म्यूकोसा है, जो म्यूकोसा का स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो म्यूकोसल स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए आपको लंबे समय में इलाज में रहना है। कहीं भी एक जगह आप इलाज लें सटीक तरीके से और उसको रेगुलर 3 to 6 months कंटिन्यू करें, सो दैट कि आपके जो एपिथीलियम जो फ्रेजाइल हुए हैं, जो एट्रोपिक हुए हैं, पतले हुए हैं, वो रिकवरी हो सके दोबारा से और उनकी स्ट्रेंथ वापस आ सके। और आपको अवॉइड करना है वेरी हॉट और वेरी स्पाइसी फूड आइटम, जिससे कि ये अल्सर बार बार और ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और कैंसर नहीं होता है ये, जस्ट ये आपको यहाँ पे ये दर्शाता है कि आपकी जो एपिथीलियम है वो म्यूकोसल स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।